Now today let's do one of the stereo isomerisms, that is geometrical isomerism. After structural isomerism, we have stereo isomerism, and first stereo isomer which I want to deal with is geometrical isomerism. Stereo isomerism is the arrangement is all same, only the arrangement in space, spatial arrangement is different. How are the atoms arranged in the space? That is what is different in stereo isomerism from structural isomerism. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कहीं चेन में डिफरेंस था, कहीं पोजीशन में डिफरेंस था, कहीं फंक्शनल ग्रुप में कुछ डिफरेंस था. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है. तो हम सबसे पहले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है? इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, it is due to restricted rotation about. अब ये about में क्या क्या हो सकता है? It is due to restricted rotation, about. About में ये हो सकता है about a double bond, double bond C डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, जैसा ऑक्साइम्स में होता है, इमाइन्स में होता है, और N डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, जैसा एजो कंपाउंड्स में होता है. किसी भी डबल बॉन्ड के क्रॉस C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है. हम सबको पता है कि यदि हमारे पास पाई बॉन्ड बना हुआ है और हमने अबाउट द पाई बॉन्ड रोटेशन कराने की कोशिश की तो वो बॉन्ड टूट जाएगा. इफ यू ऑल रिमेंबर, यदि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है. व्हेन यू हैव अ सिग्मा बॉन्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड. इसलिए हमें डिफरेंट कन्फर्मर्स मिलते हैं. जो कन्फर्मर्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड इस तरह एक लोब ऊपर ओवरलैप करता है, एक नीचे ओवरलैप करता है. जैसे हमने उसके अराउंड रोटेट करने की कोशिश की वो टूट जाता है. हमें पता है डबल बॉन्ड जब बनाते हैं, पाई बॉन्ड जब बनता है तो ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ये ऐसे ओवरलैपिंग हुई तो जैसे ही हमने रोटेशन अबाउट ए डबल बॉन्ड कोशिश करी तो बॉन्ड टूट जाएगा. इससे वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फ्री रोटेशन के कारण नहीं बनते. बॉन्ड्स पुराने वाले टूटते हैं और नए वाले बनते हैं. इससे दो डिस्टिंक्ट आइसोमर्स बनते हैं. बी पार्ट में हम ये पढ़ेंगे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड ऑल्सो. अब साइक्लिक कंपाउंड्स में जो रोटेशन होता है वो सिंगल बॉन्ड के क्रॉस होता है, वो डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं बात हो रही है. मान लो मेरे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे यदि मैं रोटेशन करूंगी तो ये रोटेशन जो है ये अबाउट अ सिंगल बॉन्ड है, पर हमें पता है कि ये रोटेशन करने की कोशिश की और रिंग टूट जाएगी. हमें यदि रिंग नहीं तोड़नी है, इसका मतलब यदि हमें रिंग नहीं तोड़नी है तो इस सिंगल बॉन्ड के क्रॉस भी, जो सिंगल बॉन्ड एक रिंग का पार्ट है, उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है. आप उसको फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, जहां आप रोटेट करने गए बॉन्ड टूट जाएगा. इसलिए यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है दैट इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड और इन अ साइक्लिक कंपाउंड. इट कैन बी ड्यू टू, इट कैन बी इन बायफिनाइल्स, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, this is due to steric hindrance, biphenyls due to steric hindrance. So this is free rotation हो सकता है, double bond में हो सकता है, this can be in a cyclic compound, this can be in biphenyls due to steric hindrance. इसके अलावा, इन चीजों के अलावा और क्या होना चाहिए वहां पे? the two groups attached to the double bond. Two groups attached to one of the atoms, to the doubly bonded atoms, to the doubly bonded atoms the two groups attached to the doubly bonded atoms must be different, or the two terminal groups must be different. They must be different. What does it mean? इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि यदि मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C है तो ये A है तो ये B होना चाहिए, ये चलेगा। पर यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैंने यहाँ भी A लगा दिया, यहाँ भी A लगा दिया, यहाँ A लगाया, यहाँ B लगाया, अब ये क्योंकि दोनों सेम हो गए इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। और ये सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन की बात नहीं है, जैसे ए वाले केस में डबली बॉन्डेड कार्बन की बात हो जाएगी, बी वाले केस में क्या बात हो जाएगी, बी वाले केस में होगी यदि मेरे पास यहाँ पे मुझे दिखाना है तो यदि यहाँ पे भी मैं ए कर दूं, यहाँ पे भी ए कर दूं, यहाँ पे बी कर दूं, यहाँ पे बी कर दूं तो ये नहीं होगा, ये ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। किसी एक कार्बन पे जिस पॉइंट पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है, मतलब स्टीरियो सेंटर जो है यहाँ पे हमें जब डबल बॉन्ड है तो ये हमारा स्टीरियो सेंटर है क्योंकि अबाउट द डबल बॉन्ड हमें जीआई देखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें कहाँ देखना है? अबाउट द डबल बॉन्ड। हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर अबाउट द सिंगल बॉन्ड देखना है इन रिंग। तो जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं जो स्टीरियो सेंटर है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का स्टीरियो सेंटर है वो यहाँ पर है, और इन दो एटम्स पर जो ग्रुप्स अटैच होंगे वो एक ही एटम पे अटैच दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। जैसे इस पे एक ही कार्बन पे दोनों ए लगे हुए, ये अलाउड नहीं। यहाँ पे ए भी होता, यहाँ पे ए भी होता, वो चल जाता, पर एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम होंगे तो जीआई नहीं होगा। आप ही सोचो यदि सेम ग्रुप है, मैंने एक को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया, क्या ही फर्क पड़ा, वो तो सेम ही एटम्स है ना। तो हमें यदि जीआई दिखाना है तो कुछ डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए एक कार्बन पे दोनों ग्रुप कभी भी हम सेम नहीं रखेंगे। यदि सेम हो गए तो वहां पे जीआई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और तीसरी चीज जो और एक और इंपॉर्टेंट बात वो है कि टू टर्मिनल्स, जब बड़ी सी चेन होगी तब हम बात करेंगे द टू टर्मिनल्स of the chain must be in the same plane. जब ये condition satisfy होंगी तो ही हमें geometrical isomer मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर सी बातें हैं, आप आराम से समझ सकते हो कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही होगी तो हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने वाले हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, चाहे सी डबल बॉन्ड सी हो, चाहे सी डबल बॉन्ड एन हो, चाहे एन डबल बॉन्ड एन हो, या फिर वो रिंग हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड के राउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे रिंग पर, रिंग का बॉन्ड टूट जाएगा, रिंग टूट जाएगी इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और तीसरा है कुछ बायफेनाइल्स में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो हम इन सब के एग्जाम्पल्स डिटेल में लेते हैं, पर उसके पहले दो चीजें और बोली मैंने आपको कि एक तो जिस पॉइंट पे हमें जीआई देखना है वहां पे एक एटम पे दो ग्रुप सेम अटैच नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात है कि दो एंड्स, मान लो लंबी सी चेन है तो ये जो दो एंड्स हैं वो सेम प्लेन में होंगे तो ही जीआई होगा। यदि वो परपेंडिकुलर प्लेन में हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता। दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, दो तीन बातें और आपको मैं बताऊं। पहली चीज मुझे ये बताना है कि जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस is called atrop isomerism Second thing is cumulated polyenes. जब कंटिन्यूअस बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होंगे, क्यूमुलेटेड पॉलीन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैव द टू टर्मिनल्स perpendicular to each other, so no GI possible, so no geometrical isomerism possible. And the opposite is cumulated polyenes having odd number of double bonds have the two terminals parallel, two terminals in the same plane, so GI is possible. Let me explain you these two points. देखो बच्चों, suppose there is, I have C double bond C double bond C. या ऐसे ले लेते हैं। अब देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. आप सबको पता है हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं ऐसे वाले केसेस में जहां पर वन से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं, तो हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1, 2, 3, इसलिए sp2. इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 1, 2, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp. और इस कार्बन ने कितने बनाए हैं? 1, 2, 3, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2. sp2 sp और sp2. यदि ये sp2 है, इसको अपन बोल लेते कार्बन नंबर 1, इसको बोल लेते कार्बन नंबर 2, इसको बोल देते कार्बन नंबर 3. अब मैं कार्बन नंबर 1 की बात करूं तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक p बचा हुआ है. 3 p होते हैं, 3 में से 2 यूज हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक बचा हुआ है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. मैं ये बोल रही हूँ कि ग्राउंड स्टेट जो कार्बन का कॉन्फिगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p2. मतलब ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये है 2p2. एक्साइटेड स्टेट में ये क्या बन जाता है? 1s2 ऐसा का ऐसा रहता है. यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाता है इधर और फिर ये तीनों मिलके बनाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 और ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 2px मान लेते हैं। चलो इसको मान लिया अपन ने 2px। इसका मतलब इस कार्बन के पास एक ये ऑर्बिटल बचा हुआ है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है 2px। अब ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास दो p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इस कार्बन के लिए मैं कह देती हूं इसके पास एक है, ये हमने ले लिया 2px और एक और ऑर्बिटल है जिसको हमने कह दिया 2py। अब ये एक और कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है मतलब एक p अनहाइब्रिडाइज बचा हुआ इसकी तरह, पर वो होगा 2py। वो है 2py, बाकी सब बॉन्ड बनाने में लग गए। अब आप देखो ये इसने बॉन्ड बना लिया पाई बॉन्ड, ये इसने पाई बॉन्ड बना लिया। आपको दिख रहा है 2px ने पाई बॉन्ड बनाया है और इसके 2py ने पाई बॉन्ड बनाया है। अब यदि ये यहाँ पे आप प्लेन देखो, जैसे अभी आपने लिखा कि इवन नंबर होगा यदि, तो प्लेन जो होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे कौन सा प्लेन है, यदि x यहाँ गया है तो ये yz प्लेन है, मॉलिकुलर प्लेन जो है yz है, और यदि y गया है तो मॉलिकुलर प्लेन जो है वो zx है। दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, yz और zx। यही यदि मैं एक और केस ले लूं, जब मेरे पास होता C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब इसमें आप देखो ये मैंने ले लिया कौन सा, ये बॉन्ड किससे बना दिया, ये px और px का बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये हमारा बॉन्ड बन गया px px का। अब यदि दूसरा बॉन्ड हम देखें, ये बॉन्ड बना, ये किसका बना py और py का। अब इसके पास अभी एक ये भी है, ये बॉन्ड किसका बना px और px का। यहां कौन सा प्लेन बचा था, यदि ये x बॉन्डिंग में लग गया है तो yz प्लेन बचा है, और ये जो प्लेन है ये कौन सा है, ये भी yz प्लेन है। जो मॉलिकुलर प्लेन है इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का yz है, जबकि इस केस में इस टर्मिनल का yz था तो इस टर्मिनल का zx था। इसलिए आपको एक कंडीशन अभी मैंने बताई थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना है तो दो टर्मिनल्स जो हैं, दो एंड्स जो हैं, दे शुड बी इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में होना चाहिए तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब इवन नंबर के डबल बॉन्ड्स हैं, जब मेरे पास इवन नंबर के डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना, बीच वाले कार्बन ने दोनों से पाई बॉन्ड बनाए, इसलिए बीच वाले कार्बन के पास में दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं, जबकि इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, इसके पास एक है। हमारी मेन कंसर्न का इशू ये है कि दोनों एंड्स जो हैं वो एक दूसरों के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे, जबकि यही सिचुएशन जब मैं यहाँ बात करती हूँ तो मुझे दिखता है कि दोनों एंड्स जो हैं वो सेम प्लेन में हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है और ये नहीं कर सकता। इसका मतलब जब 1, 2, 3 और नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स होंगे तो GI होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे GI इज पॉसिबल, जबकि यहाँ हम लिखेंगे कि GI इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द टू ends, two terminals are the two planes which are the two terminal planes are perpendicular to each other, whereas here the two terminal planes are same. So when the two terminals are in the same plane आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। जब two terminals they are perpendicular to each other आपको GI नहीं मिलेगा, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। Is that clear? अब एक और चीज आपको यहां पे बताई गई है, वो ये है कि जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इधर हमने बाइफेनाइल्स की बात करी थी अभी, एक ये बाइफेनाइल है मेरे पास, अब यहाँ क्या होता है, ये जो ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को हिंडर करते हैं। अभी मैंने एक टर्म यूज करी थी स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जिसके कारण ये जो है ये रोटेट कर जाता है, यहाँ पे रोटेशन आ जाता है, इसके कारण यहाँ पे रोटेशन आ जाता है। अब ये जो दो प्लेन है ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, ये जो दो है ना, क्योंकि ये आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। तो जो दो बेंजीन रिंग वैसे तो प्लेनर होती है दोनों बेंजीन रिंग, पर वो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एक रिंग रोटेट कर जाती है, और अब दोनों प्लेन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाते, इसलिए ऐसे केसेस में जीआई नहीं होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो दो ग्रुप्स हैं इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये जो दोनों बेंजीन रिंग है अब नाउ दे आर नो मोर इन द सेम प्लेन, वो रोटेशन हो गई, ये जो बॉन्ड है रोटेट हो गया, और एक बेंजीन रिंग ऐसे है तो दूसरी ऐसे हो गई। दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसलिए अब यहां पर जीआई नहीं होगा। पर एक और केस लिया जाए जहां पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग है, सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। अब यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, 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 तो बीच वाली रिंग रोटेट कर जाती है। बीच वाली रिंग जो है ये रोटेट करती है, दिस रिंग रोटेट्स, दिस रिंग। अब ये रिंग रोटेट कर गई तो ये आउट ऑफ प्लेन चली गई, और ये जो दो रिंग्स है ना दे आर इन द सेम प्लेन। बीच वाली रिंग रोटेट कर गई तो बाकी दोनों इसी प्लेन में हैं, बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन, तो यहां पर जी आई होगा, यहां पर जी आई है। और ऐसे केसेस को ऐसे केसेस में जो जी आई होता है उसको बोलते हैं अट्रोप आइसोमेरिज्म। जब स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हो रहा है, यहाँ पे जो जीआई हो रहा है ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये रिंग आउट ऑफ प्लेन हो गई, बट ये दोनों रिंग्स जो हैं वो अभी सेम प्लेन में ही हैं, इसलिए यहाँ पे जीआई होगा। यहाँ पे जीआई नहीं था क्योंकि ये दोनों रिंग में से एक आउट ऑफ, दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, तो यहाँ पे जीआई नहीं होगा। तो आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो जीआई नहीं होगा, और वो भी क्यूमुलेटेड। ऑड नंबर हम बात करें क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स एक साथ हैं, तो यदि वो इवन नंबर में है तो जीआई नहीं होगा, ऑड नंबर में है तो जीआई होगा। इसका कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि अल्टीमेट एम ये है कि दो टर्मिनल्स जो है वो हमेशा सेम प्लेन में होना चाहिए तो ही जीआई होगा, नहीं तो जीआई नहीं होगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस में भी हम इस तरह देखेंगे, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है जीआई नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है पर जीआई है, क्यों है? क्योंकि इसमें ये वाली रिंग आउट ऑफ प्लेन गई, ये दोनों सेम प्लेन में थी, जबकि इसमें ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, इसलिए जीआई नहीं हुआ। नाउ लेट्स हैव डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ जीआई, डिफरेंट नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट जीआईज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस-ट्रांस नॉमेनक्लेचर। Cis-trans nomenclature. Actually, we are dealing with C double bond C system. We are dealing with C double bond C system and GI. What about geometrical isomerism in C double bond C system? First nomenclature is cis-trans nomenclature. Cis-trans nomenclature means when across the double bond, suppose you have a system like this, and another possible arrangement in space is you have this here, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, इससे जीआई तो होगा, पर इसकी नेमिंग कैसे होगी, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा इस जीआई का? बिकॉज सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, so this will be called cis, and when same groups are on the opposite side you call it trans. ये इसका एक nomenclature है. same group same side पे होंगे तो हम cis बोलेंगे, same groups opposite side पे होंगे तो हम trans बोलेंगे. एक और केस ले लेते हैं अपन ऐसा ही. मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, इधर A है, इधर B है, इधर A है और इधर C है, तो हम सिर्फ इन दोनों को डिसाइड करके भी कह सकते हैं कि ये सिस है और इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांस है. जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप देखे जाए, एक ग्रुप से काम हो रहा होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा. ये ट्रांस है, ये सिस है बिकॉज सेम ग्रुप सेम साइड पे है, और ये ट्रांस है बिकॉज सेम ग्रुप जो है यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए, पर ये एक दूसरे के ऑपोजिट है इसलिए ये ट्रांस है. यहाँ पे ए है यहाँ पे है, ये सेम साइड पे इसलिए ये सिस है. यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं, यहाँ पे दोनों ग्रुप ट्रांस है, तो चाहे दोनों ग्रुप हो चाहे एक पेयर भी हो तो भी चलेगा. ये नॉमेनक्लेचर हो गया अपना सिस और ट्रांस. अब यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 1 चलो अपन ले लेते हैं. पहले लेते हैं ब्यूट 1 इन. ब्यूट 1 इन है मतलब ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. तो हम इनको लिखते कैसे हैं? ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C. इस C पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, और इस C पे 1 हाइड्रोजन लेंगे और एक हम लेंगे C2H5. देखो ध्यान से देखो, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 और इसी में है 3 और इसी में है 4. ये रहा 1, 2, 3, 4. तो आपको बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके फर्स्ट कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है और सेकेंड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और एक इथाइल है. अब एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे यदि दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो अभी आपको हमने बताया था जीआई नहीं हो सकता. इस केस में जीआई नहीं होगा. पर यदि मैं एग्जाम्पल ब्यूट 2 इन लेती हूँ, ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन को हम जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H लिया एक तरफ CH3 लिया, इधर H लिया इधर CH3 लिया, आपके पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ये हो गया. ये भी दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं तो ये कहलाएगा सिस ब्यूट 2 इन. दिस इज सिस ब्यूट 2 इन. ये ट्रांस है, नहीं आई एम सॉरी, ये सिस है. और इसी को यदि हम ऐसे लिख देते, यहाँ CH3 कर देती मैं, यहाँ H कर देती, यहाँ पे H यहाँ पे CH3, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता ट्रांस. है ना? और ये जो फॉर्म है हमारा, ये एक फॉर्म बना दिया हमने और एक ये ऐसे बना दिया. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे जा रहे हैं इसलिए ये सिस है, ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं इसलिए ये वाला ट्रांस है. ये बॉन्ड लाइन डायग्राम में ये ट्रांस है और ये जो है ये सिस है. बॉन्ड लाइन डायग्राम देखोगे ये ट्रांस ये सिस, और ऐसे देखोगे तो ये सिस है और ये ट्रांस है. अब और एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलो सिनामिक एसिड लेते हैं. Cinnamic acid. I hope you all remember what was cinnamic acid. Cinnamic acid ऐसे कुछ था, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे था C6H5, यहाँ पे था H, फिर यहाँ पे हम ले लेते CO H और यहाँ पे ले लेते हैं H. तो ये H क्योंकि दोनों सेम साइड पे है इससे हमने इसको बोल दिया ये सिस फॉर्म है। इसका ट्रांसफॉर्म भी होगा, जब दोनों H ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे उसका ट्रांसफॉर्म। जैसे कैसे ये है ना यहाँ पे, तो इसको मैं H कर देती हूँ, यहाँ पे C6H5 कर देती हूँ, यहाँ पे COH रहने देती हूँ, यहाँ पे H रहता है और आप देखते हो कि ये कौन सा फॉर्म है, ये है ट्रांसफॉर्म। वैसे ही मैलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, यदि मेरे पास ऐसे है तो ये कौन सा एसिड है, मैलेइक एसिड। ये जो मैलेइक एसिड है ये आप देख रहे हो ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। पर यही यदि इस तरह लिख दिया जाए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ग्रुप्स ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है, ये ट्रांसफॉर्म है, इसका नाम है फ्यूमारिक एसिड। ये जो है ये फ्यूमरिक एसिड है, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म को फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं, सिस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मैलेइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिनामिक एसिड है, ये हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमने 4 एग्जाम्पल्स ले लिए, ब्यूट 1 इन जिसमें GI नहीं था, ब्यूट 2 इन जिसमें GI है, सिनामिक एसिड, मैलेइक एसिड, ये आपको दिख रहा है ये है सिस और ट्रांस। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, इधर हम क्लोरीन ले लें, इधर हम मिथाइल ले लें, इधर क्लोरीन ले लें, इधर मिथाइल, इधर इथाइल ले लें, तो भी हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये सिस फॉर्म है क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम साइड पे है। और आप चाहो तो और भी आप ले सकते हैं, आप ऐसे कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन ले लो, उस पर अलग अलग ग्रुप्स लगा लो। एक तरफ आपने मिथाइल लगा लिया, एक तरफ आपने ब्रोमीन लगा लिया, दूसरी तरफ आपने यहाँ पे आपने आयोडीन लगा लिया, यहाँ पे आपने क्या लगा लिया, मिथाइल लगा लिया। तो अब हम मिथाइल ग्रुप से देख लेते हैं और इसको हम कहते हैं ये तो ट्रांसफॉर्म है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर कब यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं जब C डबल बॉन्ड C के क्रॉस में GI की बात करनी होगी, तो हम सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर कैसे लेते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं हम उनको चेक कर लेते हैं। सिमिलर ग्रुप्स यदि सेम साइड पे होंगे, जैसा इन सारे एग्जांपल्स में देख रहे हो, जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो हम उनको सिस बोलते हैं, जब सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं तब हम उनको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ऐसा ही यदि अपने पास यदि ये हो रिंग स्ट्रक्चर देखें, यदि अपन अब ये क्या कहलाएंगे, ऑपोजिट साइड पे है ना, तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रांसफॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। यदि अपन इसी तरह तो यहाँ पे सेम साइड पे है तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये सिस फॉर्म। तो आपको बात समझ में आ गई कि हम ट्रांस और सिस कब लेते हैं, चाहे हम अक्रॉस एक डबल बॉन्ड लें, चाहे हम एक रिंग में लें, रिंग में भी हम ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं और सिस फॉर्म ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने किससे डील किया, हमने C डबल बॉन्ड C से भी डील किया और हमने रिंग से भी डील कर लिया, क्योंकि रिंग में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होता ही है। तो वहां पे भी हम, यहाँ पे जैसे ये अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, सेम ग्रुप सेम साइड पे है तो सिस अदरवाइज ट्रांस।